गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। बेटा, आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। एक बहुत बड़ा स्टोन होता है, बहुत सारे बच्चे उसको क्रॉस करना चाहते हैं पर क्रॉस नहीं कर पाते। बहुत दिनों बाद एक बच्चा उसको क्रॉस कर लेता है एंड वो एक अचीवमेंट बन जाती है बच्चे की, बाकी बच्चों के सामने वो एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो याद रखना, जो स्टोन होता है अगर उसे क्रॉस कर लिया जाए तो वो एक माइलस्टोन बन जाता है। सेम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा गया तो जापान बहुत पिछड़ गया, बहुत पीछे रह गया। उन्होंने देखो 50 इयर्स कितनी मेहनत की, 60-70 इयर्स बहुत मेहनत की। आज उनकी इकोनॉमी, छोटा सा देश है, उनकी इकोनॉमी मानी जाती है वर्ल्ड में टॉप है। सेम याद रखना, ये जो लॉकडाउन के कारण डेज खराब हो रहे हैं, जब ये छुट्टियां खत्म हो जाएंगी सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ बच्चे एग्जाम्पल दिया करेंगे, हमने इतना पढ़ा, इतने चैप्टर्स कर लिए। कुछ बच्चे कहेंगे हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो कईयों के लिए स्टोन होगा और कईयों के लिए ये माइलस्टोन बनेगा। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप इन छुट्टियों को कैसे यूज करते हैं। गिव योर बेस्ट कि जब ये लॉकडाउन खुले तो ये आपके लिए क्या बन जाए, एक माइलस्टोन बन जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टेम्परेचर की कन्वर्जन आनी चाहिए। केमिस्ट्री में केल्विन स्केल बहुत यूज होता है। केल्विन स्केल जो होता है वो डिग्री सी प्लस 273 होता है। क्वेश्चन हमेशा केल्विन में करना है, पर हमें केल्विन को डिग्री सी बनाना ना चाहिए, डिग्री सी को केल्विन। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो केल्विन में कितना होगा? आप इसमें पुट करिए केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस 273, तो ये कितना बन जाएगा, 373 बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए वो रूम टेम्परेचर देता है, कहता है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी है, बहुत ज्यादा आएगा ये। तो अगर हम केल्विन में निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 27 प्लस 273, दैट इज 300 केल्विन। तो ये टेम्परेचर कितना बन गया, 300 केल्विन बन गया। ऐसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वो कहता है कि नहीं, आंसर शुड बी इन डिग्री सी, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका टेम्परेचर आ गया 400 केल्विन, पर आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कि नहीं, टेम्परेचर किसमें निकालिए, आंसर दीजिए डिग्री सी में, तो आप क्या करेंगे, 400 इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273, दैट मींस डिग्री सी कितना हो जाएगा, 400 माइनस 273, दैट इज 127 डिग्री सी। ये आपका 127 डिग्री सी किस में आ गया, ये टेम्परेचर आ गया डिग्री सी में। तो इस तरह आप केल्विन को डिग्री सी में और डिग्री को केल्विन, केल्विन को डिग्री सी में और डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, केमिस्ट्री में 99% क्वेश्चन केल्विन में होंगे, कोई रेयर क्वेश्चन होता है जो डिग्री सी में यूज होगा। केमिस्ट्री के सारे ही फॉर्मूले किसमें बनाए गए हैं, केल्विन के हिसाब से बनाए गए हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में अब हम पढ़ने लगे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ है क्या? चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आपने पढ़ा होगा ऑल द थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। हमारा फोकस तो गैसेस पे रहेगा, पर हमें पता होना चाहिए ऑल द थिंग एक्सपैंड ऑन हीटिंग। कई बार बैलून सनलाइट में चले जाता है, फट जाता है। क्यों? जब वो सनलाइट में गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो बैलून एक्सपैंड कर गया
एक लिमिट तक वो एक्सपैंड कर सकता है, उसके बाद वो ब्रस्ट कर जाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा गर्मियों में हम अपने पोस्चर को थोड़ा ओपन करके खड़ा होना पसंद करते हैं, थोड़ा ओपन होते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम होता है तो हमें वॉल्यूम कम चाहिए। सर्दियों में जल्दी हम अपनी पोस्चर को काफी क्लोज कर लेते हैं, कभी सर्दियों में देखा ऐसा बैठा हुआ या गर्मियों में ऐसे खड़े हुए? नहीं, गर्मियों में हमेशा हम ऐसे खड़े होंगे, हमारा वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। सर्दियों में हम अपने आप को हमेशा क्लोज करके खड़ा करना पसंद करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। आपने घर अक्सर सुना होगा कि गर्मियों में अक्सर हम कहते हैं दूर होकर बैठ गर्मी है, कभी हमने बोला कि सर्दियां दूर होकर बैठ? नहीं, कभी नहीं बोला। तो हमेशा याद रखना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट। फिलहाल हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, तो ये चार्ल्स लॉ बन जाएगा। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है आप नोट भी कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट, ये चार्ल्स लॉ है। तो मैथमेटिकली क्या बनेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आइए इसका मैथमेटिकल छोटी सी डेरिवेशन है वो करते हैं चार्ल्स लॉ की। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर ये वी वन है तो ये टी वन होगा, ये V2 है तो ये T2 होगा। तो V1 is directly proportional to T1, तो ये क्या बनेगा, V is equal to K1, K constant है, T1 ले लेते हैं इसको, तो ये क्या बन गया, V1 upon T1 is equal to K। Similarly ये क्या बनेगा, V2 is equal to KT2, तो ये क्या बना, V2 upon T2 is equal to K। अगर ये दोनों k के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होने चाहिए, तो v1 upon t1 is equal to v2 upon t2। तो ये क्या बन गया, चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। आइए इस पे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड करूंगा क्वेश्चंस के लिए, ये हम इसको साइड पे लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। ये कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं, कौन सा, चार्ल्स लॉ। मान लीजिए एक बैलून है, उसका वॉल्यूम है 4 लीटर एट 27 डिग्री सी, व्हाट आर द न्यू वॉल्यूम एट 127 डिग्री सी। इसको V1 मान लेते हैं, इसको T1, इसको V2, इसको T2, हमें वॉल्यूम निकालना है। यहां पे हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप देखिए आपको गलती मिलती है, फॉर्मूला है V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, ये आ गया 4 upon 27 is equal to V2 upon 127। बेटा ध्यान रखिएगा इसमें आपको कोई गलती दिख रही है, हाँ ये गलत है। इसमें गलती ये है कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स, तो पहले टेम्परेचर को बदलिए। मैं इसको रब कर देता हूं, आपको गलती तो समझ आ गई, बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती करके आते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टेम्परेचर केल्विन में लेना है, आइए पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। टी वन इज 27 डिग्री सी प्लस 273, दैट इज 300 केल्विन्स। T2 इज 127 डिग्री सी प्लस 273, दैट इज 400 केल्विन्स। नाउ यू कैन पुट दिस, अब इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, कितना बना, 4 upon 300 V2 upon 400, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 into 400 upon 300 is equal to V2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 300 300 कट गया, 16 upon 3 अच्छा जगह, तो V2 is what,
4 into 4 16 upon 3 that is 5.33 वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होंगे लीटर्स। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए मैं एक न्यूमेरिकल छोटा सा और देता हूं आपको, नोट कर लिया होगा आपने। आइए एक और देखते हैं। अब मान लीजिए वो कहता है कि एक बैलून है, बैलून का वॉल्यूम है, उसने गिवन नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब बैलून एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सी, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर, क्वेश्चन मार्क आ गया, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर सो दैट वॉल्यूम बिकम डबल, वॉल्यूम बिकम डबल, वॉल्यूम डबल, इसका मतलब हमें वॉल्यूम अज्यूम करना पड़ेगा। हमने अज्यूम कर लिया वॉल्यूम इज एक्स, तो डबल का मतलब 2x। और फिर वही टेम्परेचर को याद रखिएगा, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो गया 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। T2 चाहिए हमें, क्वेश्चन मार्क, तो V1 अपॉन T1 is equal to V2 upon T2, that is what? X upon 27 गलत है, किस में लेना था? केल्विन में, तो कितना लेंगे? 300। V2 कितना है? It is 2X upon T2, X से X कट जाएगा, T2 कितना आ जाएगा? T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा 2 into 300। अब ध्यान रखिएगा ये जो T2 आया 600 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, आंसर केल्विन में आएगा, तो ये केल्विन है। पर ध्यान रखिए एक चीज और, अगर आप यहां छोड़ देते हैं तो टीचर आपका आधा नंबर काट सकता है। क्वेश्चन डिग्री सी में था, आंसर आप केल्विन में दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से 273 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 327 डिग्री सी। नाउ दिस इज योर आंसर, एंड इसको हाईलाइट भी करिए कि आपको दिख गया आंसर, दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको चार्ल्स लॉ समझ आया होगा। चार्ल्स लॉ है क्या? चार्ल्स लॉ है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट। इसका एक छोटा सा ग्राफ भी है, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। दिस इज द ग्राफ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये कोई गैस ए है, ये कोई गैस बी है, सबकी एक्सपेंशन अलग अलग होती है, पर टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, कोई ज्यादा बढ़ता है कोई कम बढ़ता है, पर बढ़ता है। तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन व्हाट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहां पे एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आपका होमवर्क है आपको क्वेश्चन ढूंढ के आना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है एनसीईआरटी का, जो पीछे आउटटेक्स दिया होता है। क्वेश्चन है हाउ यू कैन से मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल इज -273 डिग्री सी। मैं फिर से कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन हल्का सा बदल रहा हूं। वो कह रहा है कि हाउ यू कैन से जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है वो -273 डिग्री सी है या 0 केल्विन है, कुछ भी लिख सकता है। हाउ यू कैन से द मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल इज -273 डिग्री सी और 0 केल्विन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है आउट टेक्स्ट में। How you can say the minimum temperature possible is -273 degree C or 0 Kelvin? आइए इसको समझते हैं।
इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ इस तरह का होता है, ये हमने पढ़ा वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, ये कोई गैस ए है, ऐसे ही कोई गैस बी है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर देखिए, इधर भी देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर देखिए वो टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें स्केल से, तो ये हमने एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। यहां देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे वॉल्यूम भी जीरो है, टेम्परेचर भी जीरो है। मैं इसको थोड़ा साइड पे करके लिखता हूं, यहां पे वॉल्यूम भी जीरो है, टेम्परेचर भी जीरो है। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो देखिए क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, एक्सटेंड करने पे ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कहते हैं, डॉटेड बनाना है, ये डॉटेड है। यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पे वॉल्यूम नेगेटिव हो गया। हमने ये तो पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है, पर यहां पे लिखिए वॉल्यूम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बेटा वॉल्यूम कैन बी जीरो बट वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर वॉल्यूम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इससे नीचे नहीं जा सकता। फिर से समझिए, हमने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, एक्स्ट्रा प्लॉट का मतलब होता है रियलिटी में हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम यहां तक जा पाते, हमारे पास क्या, किसी की बस भी नहीं है। तो पर साइंटिस्ट ने देखा कि सारी गैसेस का अगर हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वॉल्यूम कम होता जाता है, एंड एक से ऐसी आएगी जब सब गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। वो कौन सा टेम्परेचर था, वो था जीरो केल्विन और -273 डिग्री सी। पर अगर हम टेम्परेचर को और फर्दर रिड्यूस कर दें तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल। अगर वॉल्यूम इससे नीचे नहीं जा सकता तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इससे नीचे नहीं जा सकता। दैट मीन्स वी कैन एक्सप्लेन द मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल इज जीरो केल्विन और -273 डिग्री सी बाय द चार्ल्स लॉ एंड बाय दिस ग्राफ। ये ग्राफ भी बनाना है, थ्योरी भी लिखनी है, एंड देन यू विल गेट 3 out of 3। ये जर्नी 3 marks में आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट इसमें। इसकी मैं असाइनमेंट्स भी आपको सेंड करूंगा, इसकी असाइनमेंट मैं आपको सेंड करूंगा, ये आपने करनी है, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ है क्या, एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रोज लॉ कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप नोट भी कर सकते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है, कहता है मान लीजिए 3 gases हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। इसमें हमने छोटी गैस ली हाइड्रोजन, इसमें बड़ी गैस ली ऑक्सीजन, इसमें और भी बड़ी ली CO2। तो हमने छोटी गैस, बड़ी गैस, उससे बड़ी गैस, वॉल्यूम तीनों का सेम है, 10 liters, 10 liters, 10 liters। टेम्परेचर भी सेम है, 273 केल्विन, टेम्परेचर इज 273 केल्विन, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। टेम्परेचर सेम, प्रेशर भी सेम, प्रेशर इज 1 atmosphere, प्रेशर इज 1 atmosphere, प्रेशर इज 1 atmosphere। देखिए तीनों का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इनके मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, गैस छोटी हो बड़ी हो
हल्की हो भारी हो, अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आइए इसको अब मैथमेटिकली कैसे, डेफिनेशन तो आप लिख चुके होंगे, डायग्राम भी आप बनाएंगे, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं रब कर रहा हूं इसको। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। वो कहता था टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये एवोगाड्रो का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आगे चल के डेरिवेशंस में भी काम आएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये किसका मैथमेटिकल है? एवोगाड्रोस लॉ का। आइए मैं एक चीज बता रहा हूं, लॉ और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। लॉ होता है जो थ्योरेटिकली भी करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटली भी करेक्ट है। लॉ इज दैट थिंग विच इज एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज थ्योरेटिकली करेक्ट। एक होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होता है जो थ्योरेटिकली करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटली गलत हो गया, या एक्सपेरिमेंटली करेक्ट हो गया, थ्योरेटिकली रॉन्ग हो गया, तो एक जगह प्रूव हो वो हाइपोथेसिस, जो दोनों जगह करेक्ट हो वो लॉ। पहले एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बोला जाता था, आजकल इसको एवोगाड्रो लॉ कहते हैं, ये प्रूव हो गया। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। अब मैं आपको एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको अलग से आप नोट करेंगे, स्कूल में तो नहीं आता, कॉम्पिटिशन में आता है। ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस, ब्रेजिलियस साइंटिस्ट का नाम था, बिल्कुल सही है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटम लिख दोगे तो ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस, मॉलिक्यूल्स लिख दोगे तो एवोगाड्रो लॉ। तो उम्मीद करते हैं आज वाला सारा समझ आ गया होगा। मैं आपको एक असाइनमेंट भी सेंड कर रहा हूं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की। एक चीज और छोटी सी याद रखना, अगर हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को जोड़ देते हैं, एक छोटा सा मैं आपको और बताता हूं, हमने पढ़ा था P1V1 is equal to P2V2, this is Boyle's law, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर किसी का मिस हुआ है तो इससे पीछे वाला लेक्चर वो देख लें। अभी हमने पढ़ा V1/T1 is equal to V2/T2, this is Charles law। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाता है P1V1/T1 is equal to P2V2/T2, this is called कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन। दोनों को कंबाइन कर दिया तो नाम ही क्या पड़ गया, P1V1/T1 is equal to P2V2/T2। इसमें बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक बैलून है, उसका प्रेशर है जी 1 एटमोस्फेयर, वॉल्यूम है 2 लीटर्स, टेम्परेचर है 27°C, दैट इज 300 केल्विन। अब वो स्काई में गया, प्रेशर कम हो गया और बन गया 0.8 एटमोस्फेयर, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बिकम 400 केल्विन, तो आप कैसे करेंगे इसको? आप सिंपल इसमें पुट करेंगे, दैट इज 1 × 2/300 इज इक्वल टू 0.8 × V2/400। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, इसकी छोटी सी कैलकुलेशन कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ऐसे कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको अपने असाइनमेंट में दूंगा। उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा, आज के लिए इतना ही है, एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक डालिए,
अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भी सुने तो उन्हें शेयर करिए, और अगर आप मेरे लेक्चर्स डेली देखना चाहते हैं कि आपको आते रहें तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए आप क्या इसमें और चेंजेस चाहते हैं जो हम आपको दें, सो दैट ये और बेटर बन पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।